ये फ्रेश टर्मरिक हमने ले ली है, जिसको अब मैं छील लूंगी और फिर इसे ग्राइंड कर लूंगी। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने टर्मरिक का पेस्ट बना लिया है, अब हम इसके अंदर मिर्च पाउडर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हम इसके अंदर कैस्टर ऑयल डालेंगे। कैस्टर ऑयल हमें ज़्यादा लेना है, हर एक चीज़ में ठीक से लगाना पड़ेगा। अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें नमक डालना है। नमक हमें इस तरह का चाहिए, जिसका पाउडर नहीं बनाया है, ये पूरा का पूरा नमक है। अभी हमें इसे हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च भी, इसके अंदर जो पूरी मिर्ची आती है उसे भी आप इसके अंदर कूट के डाल सकते हो। अभी ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सब जो हमने इसके अंदर डालना है उसके अंदर हम लगा लेंगे। अभी हमने ये गवा ले ली है, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। जो हमारे हाथ खराब हुए थे उसी से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अब हम इस पतीले में निकाल निकाल कर ही इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। हम जिस बर्तन के अंदर इसे डालने वाले हैं वो बर्तन के अंदर भी हमें उसके चारों ओर कैस्टर ऑयल लगा लेना है, ताकि वो खराब ना हो जाए और इसे बनने में 1 महीना या 2 महीना लगेगा। इसके लिए हमें पूरा नमक ही चाहिए, हम बारीक नमक इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। अभी हम इसके अंदर भी कैस्टर ऑयल डालेंगे, मिक्स कर लेना है। जैसे कि हमने गवार में किया वैसा ही हमें इसके अंदर भी करना है। कैस्टर ऑयल को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें वो जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है वो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को एकदम ठीक से मिक्स करना पड़ेगा और कैस्टर ऑयल जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज करें। अब हम इसके अंदर कैस्टर ऑयल डालेंगे, जैसे कि हमने सारी चीज़ों में करना है। फिर हमने जो पेस्ट बनाई है वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर भी कैस्टर ऑयल डालेंगे। ये एक तरह का रूट है जिसे हमने ठीक से साफ कर लिया है और फिर उसे काट लिया है। मैंने सारी ही चीज़ों को बाजार से लेकर काट लिया है और फिर उसे सुखा लिया है, उसके बाद उसका यूज़ मैंने किया है। आप भी पहले ठीक से साफ करके फिर यूज़ करें, कोई भी चीज़ ऐसे कि ऐसे यूज़ ना करें। अब हम इसमें भी पेस्ट डाल देंगे और अब मिक्स करेंगे। अभी हम ये आम ले लेंगे, जिसको हमें सेपरेटली थोड़ा थोड़ा कैस्टर ऑयल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मिक्स नहीं कर सकते जैसे हमने दूसरी चीज़ों को मिक्स किया है। आम के ऊपर इस तरह से लगाने का एक मतलब है, ताकि पानी जो हम इसके अंदर नमक से जो पानी होगा वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। हम ये जो ऑयल लगा रहे हैं उससे ये पानी अंदर नहीं जाएगा, यही एक फायदा है, इसलिए आम को सेपरेटली लगाना पड़ेगा। अब हम सारी चीज़ें एक के अंदर मिक्स कर लेंगे।
ये डाल दिया। ये सारी चीजें हमने अलग अलग बनाई थी जिसे अब हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसे एक बर्तन में ले लेंगे। आप चाहो तो प्लास्टिक की एक बाल्टी जैसे भी ले सकते हो, लेकिन वो बंद होनी चाहिए, जो एयरटाइट होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर फ्रेश टर्मरिक भी डाल रही हूँ, मैं जो मैंने काट ली है इस तरह, जिसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इस बर्तन में सारी चीजें रख देनी है। जो सारा मटेरियल मैंने बनाया है वो हम मैं इसके अंदर डाल दूंगी और फिर इसे एक बंद करके, एयर टाइट बंद करके इसे कोने में रख दूंगी ताकि इसको बनने में आसानी हो। ये सारी चीजें हमने एक बर्तन में पैक कर दी हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। आपको एक दो दिन में इसे मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये खराब ना हो जाए। उसके बाद भी आपको एक दो महीने के बाद भी आपको इसे मिक्स करना पड़ेगा। आप इसे इसको हो जाने के बाद आप इसे किसी भी सब्जी के साथ काट के खा सकते हो एज अ अचार। फ्रेंड्स, 30 दिनों के बाद ये जो मैंने बोला था आपको कि मैं भीगी हुई कैरी की अचार बनाऊंगी, तो ये इस तरह से 30 दिनों के बाद ऐसी दिख रही है। मैंने 5-6 दिनों तक रोज़ इसे मिक्स किया है। उसके बाद इसे मैंने रहने दिया। इस जो नमक है वो अपने आप ही पानी छोड़ता है और जो पानी छोड़ता है उसी में ये अचार अच्छे से रहता है। अब इसे आप काट कर किसी के भी साथ खा सकते हो। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वो प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी। बाय बाय।